सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीना के नामांकन से पहले सांसद हरीश मीना ने खुद पर लगे टिकट बेचने के आरोपों पर जवाब दिया। कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। पूर्व सांसद नमो नारायण मीना की ओर से ही अपने ही भाई हरीश मीना पर धोखा देने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सब नाराज होते हैं लेकिन बाद में सब मान जाते हैं। देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ बोले सांसद हरीश मीना, देखिए। टोंक सवाई माधोपुर सीट से कांग्रेस के सांसद हरीश चंद्र मीणा हमारे साथ है। टिकट की घोषणा हो चुकी है और अब नामांकन के लिए जा रहे हैं। कैसी मीणा प्रत्याशी हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं कैसी मीणा से? कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी का मजबूत प्रत्याशी है, जनता का आशीर्वाद है और 18 तारीख को जब मतगणना होगी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मतदान को लेकर जो कि दो बार आपका कब्जा रहा है सीट पर, ये तीसरा चुनाव है, किस तरह की जनता से जो क्या जनता के बीच जो जाएंगे तो किस चीज़ को लेकर जा रहे हैं? कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के सिद्धांतों पर हम चुनाव लड़ेंगे और जनता से फिर आशीर्वाद मांगेंगे कि कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की रीति नीतियों को आशीर्वाद दें। ऐसी कौन सी रणनीति है कि जीत की मिठाई जो है एक बार फिर से जो है सियासी रबड़ी आप खाना चाहेंगे? रणनीति किस बात की होती है? रणनीति तो युद्ध में होती है, युद्ध थोड़ी है। ये तो जनमत प्राप्त करना है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना है, जो जनता जिसको आशीर्वाद देगी हम स्वीकार करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जिनको टिकट नहीं मिला है उन्हीं में से एक नाम आता है नरेश मीणा का, अलीगढ़ पहुंचते हैं, रात को बैठ जाते हैं, फिर आज वो आ रहे हैं, वो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। सियासत में आरोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता और जो मेरे ऊपर आरोप लगता है उसका स्वागत करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है और जनता फैसला करेगी जो उचित होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर आपने कहा था कि टिकट बिका हुआ टिकट है ये, अब कांग्रेस के टिकट पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि ये टिकट बिका हुआ है। आरोप लगेंगे, फैसला आखिरी फैसला कौन करेगी? जनता। देख लीजिए, जो अच्छा है वो जीतेगा, जो कमजोर है वो हारेगा। एक बयान और आया है कि भाई भाई ना रहा। अरे सब नाराज होते हैं। एक लड़की जो शादी के बाद अपने ससुराल जाती है, इच्छा से शादी कराती है और ससुराल जाती है जब रोती है, वो दो मिनट बाद हंसने लग जाती है। ये तो टिकट की प्रक्रिया है। तो कांग्रेस में कितनी लड़कियां हैं जो रो रही है? जिनको टिकट नहीं मिला रो रहे हैं। तो मुझे बहुत लोगों ने टिकट मांगा था, 20-22 आदमियों ने, टिकट एक था पार्टी के पास, टिकट एक था, तो जो भी पार्टी ने उचित समझा उसको पार्टी ने टिकट दे दिया। कांग्रेस की हवा नजर आ रही है आपको, आपको लगता है कि कांग्रेस की हवा चलेगी? बिल्कुल चलेगी, बीजेपी विरोधी हवा। आप रूठे हो, आप रूठे हो, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आप कहते हैं रूठे नहीं, वो भी तो कांग्रेस जन ही है। कौन है? कोई नहीं है। कौन है, कौन है, कहाँ का है, क्या लेना देना है, कोई पता तो लगे। नरेश मीणा है, एक युवा है आपकी पार्टी में, पायलट साहब के मुझे पता नहीं, कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने टिकट मांगे थे उनमें से एक भी नाराज नहीं। कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने टिकट मांगे थे उनमें से एक भी नाराज नहीं है। और सियासत की बात करते हैं कि जो रूठे उन्हें मना लिया जाएगा, राजनीति में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है लेकिन इस बार जीत एक बार फिर से हमारी होगी और हम जीत की हैट्रिक पूरी करेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV टॉक।